नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि जौ की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपनी कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि से जुड़ी व अन्य नई नई तकनीकियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारी ये जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं जो की उन्नत क्षेत्रवार किस्में कौन कौन सी हैं। किसान भाइयों, जो प्राचीन और रवि मौसम की प्रमुख फसल है। जो की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के हिसाब से विकसित उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में बाजार में जो की मांग बढ़ने से किसानों को इसकी खेती से फायदा भी हो रहा है, इसलिए जो की उन्नत किस्मों का चयन और वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करके उत्पादक इसकी फसल से अधिकतम उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उत्पादकों को जो की उन्नत किस्मों की जानकारी होना आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से जो की क्षेत्रवार उन्नत किस्मों की जानकारी आप प्राप्त करेंगे और यदि आप जो की उन्नत खेती की जानकारी चाहते हैं वैज्ञानिक तकनीकी से, तो यहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आके उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए जो की उन्नत और अनुमोदित क्षेत्रवार किस्मों की जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों, उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए किस्में इस प्रकार हैं। सिंचित व समय से बुआई के लिए, यानी जो कि सिंचाई वाले क्षेत्र हैं और समय पर यदि आप बुआई कर रहे हैं जो कि, तो उसके लिए किस्में हैं DWRB52, DL83, RD2668, RD2503, DWR28, RD2552, BH902, PL426 जो कि पंजाब के लिए सबसे प्रमुख है, RD2592 ये राजस्थान की सबसे प्रमुख और प्रचलित किस्म है। उसके बाद है किसान भाइयों, सिंचित व देर से बुआई के लिए, इसमें प्रमुख किस्में हैं RD2508, DL88, ये दो किस्में सबसे प्रमुख हैं। किसान भाइयों, किस्में तो और अनेक हैं, आपके क्षेत्र की यदि कोई अलग से किस्म हो जो अधिक उत्पादन देने वाली हो, अच्छी किस्म हो, तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। उसके बाद है किसान भाइयों, असिंचित व समय से बुआई के लिए, इसमें है RD2508, RD2624, RD2660, PL419 जो कि पंजाब की प्रचलित किस्म है, उस क्षेत्र के लिए प्रमुख है, ये आदि प्रमुख हैं। क्षारीय एवं लवणीय भूमि या पानी के लिए किस्में हैं RD2552, DL88, NDB1173 आदि प्रमुख हैं। उसके बाद है माल्ट जो के लिए किस्में किसान भाइयों, BCU73, α93, DWRUB52 ये प्रमुख किस्म है। और यदि किसान भाई पशुओं के लिए हरे चारे के लिए जो उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तरी पश्चिम भारत में RD2715 और RD2552 दो प्रमुख किस्में हैं, इनमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए अनुमोदित किस्में हैं। सिंचाई व समय से बुआई के लिए BCU73 K551 आजाद K508 जो कि उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख है, नरेंद्र जो 2 यह भी उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख है, RD2503 और RD2552 ये प्रमुख किस्में हैं। क्षेत्र है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब बात आती है सिंचित व देर से बुआई के लिए, तो इसमें है प्रमुख है किसान भाइयों RD
2508 और मंजुला आदि प्रमुख हैं। अब बात आती है अशिक्षित व समय से बुआई के लिए कौन सी किस्में हैं। आरडी 2508, K560, 603, K603, गीतांजलि आदि प्रमुख हैं। और क्षारीय एवं लवणीय क्षेत्र के लिए हैं आरडी 2552, NDB 1173, नरेंद्र जो 1 उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख है, नरेंद्र जो 3 ये भी उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख है, और आजाद किस्म। अब बात आती है माल्ट जो के लिए K551, BCU73 प्रमुख हैं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए। चारे के लिए हैं किसान भाइयों आरडी 2715, आरडी 2552, ये दोनों प्रमुख किस्में हैं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए। अब बात आती है किसान भाइयों उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो उसमें है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किस्में हैं। किसान भाइयों ये कृषि संस्थाओं, सरकारी कृषि संस्थान द्वारा अनुमोदित किस्में हैं और बहुत ही उन्नत किस्में हैं। सिंचाई सिंचित व देर से बुआई के लिए BSS 352 प्रमुख किस्म है पर्वतीय उत्तरी क्षेत्रों के लिए। असिंचित व समय से बुआई के लिए BHS 169, HBL 113, HBL 276, BLB 56 और BLB 85 ये उत्तराखंड के लिए प्रमुख किस्म है। BLB 85 आदि प्रमुख हैं। यदि आप चारे के रूप में उगाना चाहते हैं तो उसके लिए है चारे के लिए BLH 380 प्रमुख किस्म है। अब बात आती है किसान भाइयों मध्य क्षेत्र की। मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के कोटा व उदयपुर क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश का बुलंदखंड क्षेत्र आता है। इसके लिए अनुमोदित किस्में इस प्रकार हैं। सिंचित व समय से बुआई के लिए PL 751, RD 2715 प्रमुख किस्में हैं। इनमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्र सिंचित व देर से बुआई के लिए है JB 58 जो कि मध्य प्रदेश के लिए प्रमुख किस्म है। प्रायद्वीप क्षेत्रों के लिए हैं किसान भाइयों इसमें आता है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के क्षेत्रों के लिए अनुमोदित हैं ये किस्में। जैसे सिंचित व समय से बुआई के लिए DL 83, BCU 73 ये प्रमुख किस्में हैं। माल्ट जो के लिए BCU 73 और DL 88 ये किस्में हैं। ये तो थी किसान भाइयों जो कि प्रमुख और क्षेत्रवार किस्मों की जानकारी जो कि उन्नत किस्में हैं, अच्छी पैदावार वाली किस्में हैं। आप इनमें से किसी भी किस्म का अपने क्षेत्र के अनुसार चुनाव करके और जो कि फसल ले सकते हैं। और यदि आपके क्षेत्र की कोई अन्य इनसे अलग किस्म है जो कि उन्नत है, अधिक पैदावार देने वाली है और अच्छी है तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। और इन किस्मों की पूरी विशेषता, ये आपको कितनी पैदावार दे सकती हैं, कौन कौन से रोग की प्रतिरोधी हैं, उन सब की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे पूरे विवरण के साथ। और यदि इस वीडियो में आपको कोई समस्या आती है क्योंकि किस्में अलग अलग हैं किसान भाइयों, ये आपके डिवाइस पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और यदि वहां से आपको समझ में नहीं आता है तो हम इस लेख का URL वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं और इन किस्मों की सूक्ष्मता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारी ये जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और आप सभी से एक निवेदन है, जब भी आप हमारा कोई वीडियो सुने तो आप उसको कृपा करके पूरे को सुनिए, उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। हम आपको कभी भी ये नहीं बताते हैं कि आप एक एकड़ में 3 लाख कमा सकते हैं, 5 लाख कमा सकते हैं, वो एक मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग हम आपको नहीं करके दिखाएंगे। और कोई अगर अच्छी किस्म होगी जिसके बारे में पूरे विश्वसनीयता के साथ कोई कंपनी बोलेगी हाँ ये ऐसी किस्म है तो हम उसकी जानकारी आपको अवश्य देंगे। तो आप से निवेदन है आप जब भी सुने हमारा वीडियो पूरा सुनिए और अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे इन सब
किस्मों की विशेषताएं और पैदावार क्या हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।